बैंक लूटती हूँ। वो कैसे लूटेगी तू? बड़ा सिंपल है, फर्ज कर तू बैंक का मैनेजर है। हाँ। हाँ, तो मैंने तेरे पास आना है, तुझे डराना, फिर सारे पैसे लेकर चले जाना है। अच्छा, मैं डर भी गया। बात है। और फिर जब सिक्योरिटी गार्ड आपके पीछे आएगा, खड़ा होगा, आपको बंदूक दिखाएगा और कहेगा हैंड्स अप, फिर क्या करेंगे आप? फिर तो और सिंपल, इन्होंने हैंड्स अप करना है इधर से, फिर खुशबू का जब आगमन होना है सारा बैंक बेहोश। क्या बकवास की तूने? इस बार तुझ पर बुझाऊंगी। ताजी मारना नहीं, मैं मेरे को 5 मिनट दो, अभी मैं अच्छा सा आइडिया लेकर आता हूँ। ठीक है, अभी आता हूँ। नो 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 नो, मुझे लगता है मुझे भी चले जाना चाहिए। आप लोगों से कुछ नहीं होगा, कोई आइडिया तो आपके दिमाग में आ नहीं रहा है। आप लोगों को पता ही नहीं है कि बैंक को लूटते कैसे हैं। अरे किसको बता रही है तू? तुझे नहीं पता कितने बैंक लूट लिए मैंने? कल ही की बात है, गुप्ता जी के बेटे ना, उसका बैंक लूट लिया मैंने। रोने लग गया था वो। ए बुढ़िया दादी, तेरे का तेरा दिमाग खराब है? उसको बैंक नहीं पिग्गी बैंक कहते, बच्चों का बैंक लूटती, तेरे को शर्म नहीं आती? ये क्या हो रहा है, आप लोग पिगी बैंक लूट रहे हैं? मैं कहती हूँ कि रिहर्सल वियर्सल छोड़ देते हैं, हम सब चोर बनते हैं और जाके बैंक को लूटते हैं। चलिए डायरेक्ट लूटते हैं। साजी साजी साजी, आइए आइए साजी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं ये बंदे ढूंढ कर लाया हूँ, ये बैंक लूटने में हमारी मदद करेंगे। क्या बात कर रहा है, कहाँ मिले ये लोग? ओ साहब जी, कहाँ क्या मिले, शहर में इनके होर्डिंग लगे हैं, फिर किसी भी तरह की मदद के लिए हमें फोन कीजिए, मैंने डायल किया, ये अपनी जीपे और बंदूक लेकर इधर आ गए हैं। क्या बात है, बंदूकें भी अपनी जीपे अपनी? अरे वाह वाह वाह, आप अपना नंबर लिखाइए हमें। हाँ लिखिए लिखिए। क्या नंबर है? 100 नंबर। कोई एक बताइए, 100 नंबर कौन कौन ट्राई करता है, कोई एक बताइए। डायल 100 100, ये तो पुलिस वाला नंबर रखा हुआ सेम आपने। हम पुलिस ही हैं, सिविल ड्रेस में आए हैं। Hands up, hands up. नहीं, एक सेकंड, 2 मिनट बात तो सुने आप। आप कुछ लेंगे आप? हम चाय लेंगे, आप कुछ लेंगे? हम तो फिर भाग ही लेंगे। सिद्धू भाजी कहाँ गए यार? सारा दिन कॉमेडी नाइट्स में बैठे रहते हैं, फिर भी 10 से 11 गायब हो जाते हैं। इतनी बैठ के देख लेते, टीवी भी देख लेंगे, बताओ। खैर, आप लोग सोच रहे हो कि मैं महाराजा बनके क्यों घूम रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे एक क्वीन आने वाली है। तो मैंने सोचा अगर क्वीन आ रही है तो हम क्यों ना क्वीना बन जाए, महाराज बन जाए। फूलों में सितारों में ये हंसी आग लगा दे, हम चाहें तो फितरत का हर एक जख्म सजा दें, ये दुनिया बड़ी नफरत से हमें देख रही है, आओ इसे हम प्यार का अंदाज सिखा। क्या बात है पाजी, मतलब लड़की देखनी पार्टी बदल ली आपने? जिंदगी में आज तक कभी अपनी कुर्सी छोड़ के नहीं गए, आपको लेने मतलब घर तक चले गए। क्या बात है पाजी, ये जो पिछले एपिसोड में आए थे ना, उसकी रंगत अभी तक चढ़ी हुई है, तो बुखार उतरा नहीं पाजी। ये क्या पाजी, ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए। सुरक्षा कवच हूं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सिद्धू जी को कहा था कि कपिल बहुत फ्लर्ट करता है। हाँ। और मेरी सुरक्षा के लिए, मेरी सेफ्टी के लिए मेरे साथ चले। नॉटी बॉय। तो सिद्धू जी तो आपको मेरे से बचा लेंगे, सिद्धू जी से आपको कौन बचाएगा? ये देखो जी, जंगल में शेर सामने आ जाए, कोई पूछे अब क्या करोगे, फिर जो करेगा शेयर करेगा, ठोको ताली। चलिए शुक्रिया पाजी, आप हमारी क्वीन को यहाँ पे लेके आए, आप अपने सिंहासन पे बैठा लिए। मुझे तो भगाएगा ही तू, आप उसको संभालिए। ठोको ठोको। अब देखिए, मुझे लगा था कि क्वीन आने वाली है, तो उस हिसाब से मैं राजा बन गया। अब ये शेरवानी का पैसा तो मैं वसूल करूंगा, इस शो का प्रोड्यूसर भी मैं ही हूँ। आप तो लकड़ी की बकरी से भी दूध निकालते हैं, इसका पैसा तो वसूल करेंगे ही। आप थोड़ा ना शेरवानी का पैसा ऐसे जाने देंगे? तेज हो गई हो। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि साल में एक फिल्म से ज्यादा कंगना करना नहीं चाहती, लेकिन ज्यादा इसलिए कर रही है, शी वॉन्ट्स टू मीट मी यार। एनीवेज, हमारी कंजूसी और कंगना के सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जोरदार तालियां।
पिछली बार जब आप आई थी तो थोड़ी मिसहैपनिंग हो गई थी, हमारा घर जल गया था, तो आप हमारे गांव वाले घर में आई थी तो हमारा सरपंच लुट गया था उस समय। इस बार आप शहर वाले घर में आई हैं तो यहाँ का एमपी भी लुट रहा है आज। बाल देखिए आप लाल हो रहे हैं। उस समय दाल कश्मीरी सेब जैसे लाल हो गए, आज तरबूज जैसे अंदर से उतरा पूरा लाल सूख गए पड़े भाजी। भाजी आपका कुछ खास मतलब प्यार है कंगना के साथ ना? मैं तो लाल हूं, तू क्यों काला हो जा रहा जल भुन के? एनीवेज यू मिस्ड मी? नहीं, मुझे सिद्धू जी की याद आई क्योंकि सिद्धू जी जेन्युइनली मुझे पसंद करते हैं और आपका मैंने जो भी शो देखा है किसी भी हीरोइन के साथ यही सब बातें। ऐसे फ्रॉड आशिक बहुत होते हैं लेकिन एक सच्चा चाहने वाला बहुत कम होता है। दिल तोड़ दिया यार। तो सिद्धू पाजी आपको दिल से चाहने वाले लग रहे हैं जी? कोई शक? कर लो वो तो अब अमृतसर जाओगे तो पता चलेगा आपको। कर लो जो करना है। कंगना क्योंकि मैं आज आपके लिए राजा बना हूं तो आपको थोड़ी देर के लिए मेरी रानी बनना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे समझ लो राजा का दिमाग खराब, पागल राजा की रानी बनी हुई हो। ओके पागल राजा। और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारे राज्य पे हमला हो गया है। ठीक है ठीक है, फूल मुझे दे दो, मैं राजा बनना है। ओके महाराज महाराज दुश्मनों ने हमला कर दिया है। हमले तो होते रहते, दो मिनट बात तो सुने रहो। अरे दुश्मन ने हमला कर दिया महाराज। दुश्मन एक काम करो आप यहाँ छुप जाओ, मैं आपको अंदर लेके छुप जाऊंगा। छुपन छुपन तू हो जाता है। महाराज ये मजाक का वक्त नहीं है। अरे इस समय मजाक का ही वक्त है, 10 से 11 कॉमेडी नाइट्स। दुश्मन दरवाजे तक पहुंच गया है। दरवाजे तक पहुंच गया तो उसको बोलो हम घर पे नहीं है, कॉल वेटिंग। टेल हिम टू कम समबडी एल्स। वो चंदा लेने नहीं आया, वो दुश्मन है। चंदा लेनी है, चंदा मिल ले भी नहीं सकता ना, चंदा तो गई हुई गांव गई है। एक काम करें उनके साथ मुन्नी शीला को भेज दिया जाए। आपका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग किसी का खराब नहीं होता महारानी, हमेशा इंसान का वक्त अच्छा और खराब होता है। जैसे मेरा वक्त खराब है, तुम्हारे साथ एक्टिंग करनी पड़ रही है। अगेन हट क्या यार। बट एनीवेज मेरी शेरवानी के पैसे पूरे हो गए हैं, अब बाकी की बातें तो करते रहेंगे। ये मेरी दादी का पेटीकोट एक्चुअली। वो ऐसे करके पहनती है। बातें तो होती रहेंगी। कंगना आई है मेरी फेवरेट, तो कंगना बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉमेडी नाइट्स में दोबारा फिर से। आइए प्लीज यहाँ पे विराजमान होइए, जोरदार तालियां कंगना के लिए। ले ले लुखे तेरी बड़ी नजर थी ना इस पे, ये ले। कंगना मैं आपसे एक बात पूछनी चाहता हूँ। कोई भी एक्टर जब किसी एक्टर के साथ दूसरी या तीसरी फिल्म करता है एक फिल्म करने के बाद, तो लोग कहते हैं कि उनकी केमिस्ट्री बड़ी जम रही है, तो आप कॉमेडी नाइट्स में दूसरी बार आई है तो मैं इसको क्या समझूं? हमारी कुछ जम रही है? हमारी केमिस्ट्री तो जम रही है, लेकिन सीरियसली जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ और इंडिया में जहाँ भी जाती हूँ तो आजकल मेरी फिल्मों से ज्यादा लोग मुझे कहते हैं कि हमने आपको कॉमेडी नाइट्स पे देखा। ओ, रे रे। तो ये इतने पॉपुलर हो गए हैं। वाह दिल खुश कर दिया यार। मतलब केमिस्ट्री जम रही है भाजी? बहुत ज्यादा केमिस्ट्री जम रही है ना भाजी, कुछ ज्यादा ही केमिस्ट्री नहीं जम रही यहाँ पे? इसका स्टाइल देखो जरा, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री जम रही है। अब केमिस्ट्री तो उसी के साथ जमेगी ना जिसकी फिजिक अच्छी हो। तू अपनी योग्राफी देख, तू केमिस्ट्री छोड़ तू कुल्फी जमा जा जाके दही जमा। अच्छा हम लोग बात कर रहे थे कि इस फिल्म में जो है आपकी शादी टूट जाती है, तो शादी टूटती कैसे? मतलब क्या अब शादी टूटने के आइडियाज ले रहे हैं? पाजी मैं समझ गई, मुझे शादी तोड़ के इनसे शादी करने की सोच रहा है। ये औरतों का प्रॉब्लम यही है बता। आदमी चाहे बुरा सोचे भी ना ये आइडिया दे देती, अब आइडिया आ गया मेरे दिमाग में। आइडिया मैंने दिया, मतलब एक सेकंड, आइडिया मैंने दिया तो ये शादी की शेरवानी यहाँ कैसे आई?
वो तो मैं राजा रानी का ड्रामा कर रहा था। मैं राजा रानी का क्यों, भाई बहन का ड्रामा नहीं कर सकते आप? तेरा तानपुरे जैसा मुंह है, तू बात भी मनहूसी करेगी तू? राजा रानी का भाई बहन का ड्रामा क्यों करूं मैं उनके साथ? अरे वो मतलब कॉमेडी आती है ऐसे, राजा रानी का कुछ करते हैं तो तू मुझे रानी बना लेते। मातम वाली शहनाई जैसा तेरा मुंह रानी बना लेते तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी है कि मेरी शादी टूटी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी फिल्म ही पूरी शादी पे बेस्ड है, तो शादी कैसे टूट जाएगी मेरी? हाँ, वही पूछ रहा। और मैं हनीमून पे भी जाती हूँ, और है मेरे जो बॉयफ्रेंड है वो भी यही कहीं आए तो थे, लेकिन लेकिन वो शायद आपके साथ थे ना? नहीं वो आएंगे। अच्छा, वो आएंगे। ये मेरे बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है वैसे। तो घूमने तो क्या फर्क पड़ता है? कंगना आप ही ने समझा, इन्हें तो मेरे अंदर का प्यार दिखता ही नहीं है। आप इनके अंदर प्यार क्यों नहीं ढूंढते? मैंने ढूंढा था, पत्थरी निकली, प्यार निकला ही नहीं।